नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह उत्थान समिति की तरफ से आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो सुबह कूड़ा गाड़ी आपके घरों से कूड़ा इकट्ठे करने आती है तो उनको कूड़ा सेग्रीगेट करके दें, गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग। क्योंकि जब हम सेग्रीगेट करके नहीं देंगे उनको कूड़ा तो वो एक काम उनका भी बढ़ जाएगा और फिर वहाँ पर हम नहीं देख रहे हैं कि कूड़ा किस तरह से वो सेग्रीगेट कर रहे हैं या कहाँ पर जा रहा है। गीले कूड़े को जो कि हमारे किचन वेस्ट होता है उसको हम अपने घर में यूज़ कर सकते हैं खाद बनाने के लिए। देखिए, मैंने भी अपने घर में अपने गार्डन में कंपोस्ट पिट बनाए हुए हैं जिसमें कि हम अपना डेली का जो भी किचन वेस्ट होता है, साथ में हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों का भी जो किचन का वेस्ट होता है वो उनसे हम ले लेते हैं और इसमें डालकर हम खाद बनाते हैं और इसी खाद का इस्तेमाल हम गार्डन के लिए हम करते हैं। तो यह खाद बहुत ही उपजाऊ होती है जो कि कहीं नहीं मिल सकती है आपको। इस खाद में मिनरल्स और विटामिन्स की भरपूर मात्रा होती है। तो कृपया आप कूड़े को रिसाइकिल करने के लिए, कूड़े को सेग्रीगेट करने के लिए प्रयास करें कि कूड़े को किस तरह से, जैसे आप ग्रीन वेस्ट जो है उसको आप रिसाइकिल कर सकते हैं खाद बनाकर, और जो सूखा कूड़ा है उसको आप अलग से दे सकते हैं गाड़ी वाले को जो कि रोज़ सुबह हमारे दरवाजे पर आता है स्वच्छता के गीत गाते हुए। कृपया स्वच्छता में हमारा सहयोग करें और हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। गीले कूड़े को आप खाद बनाने में इस्तेमाल करें, यह खाद बहुत ही उपयोगी होती है और इस तरह आप हमें स्वच्छता में सहयोग करें। तो आइए आप और हम मिलकर अपने भारत को स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाएं और एक सुंदर भारत का निर्माण करें।